हे गाइस, माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। तो काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी की जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको बिट सेट का एग्जाम देना है, यानी अगर आपको बिट्स पिलानी हैदराबाद या फिर गोवा किसी भी कैंपस में अगर आपका एडमिशन चाहिए, तब आपको जो फॉर्म फिल करने की जो एप्लीकेशन डेट है वो आपकी जनवरी में आ जाएगी, यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो आने वाला है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट तब से स्टार्ट हो जाएगी, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक से ही आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद आपको जो करेक्शन विंडो जो आएगी वो मार्च के आसपास आएगी, थर्ड या फोर्थ वीक मार्च में आपका आ जाएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का होने वाला वो लास्ट वीक ऑफ मार्च ही होगा। उसके बाद जो आप अपनी डेट एग्जामिनेशन की जो डेट फिक्स करने वाले हैं वो करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो थर्ड वीक ऑफ मई में होगा। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको आगे फ्यूचर में काम आए। तो चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, यानी नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम की। तो गाइस, आपका जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है वो है VIT AAA। तो VIT AAA की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी चल रहे हैं, आप चाहो तो फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 30 अप्रैल को होने वाला है, यानी 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं कॉमेट के की। तो इसका भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्रैल तक फिल कर सकते हो। करेक्शन डेट आपका अप्रैल में ही आ जाएगा, थर्ड वीक में। उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब बात करते हैं WBJEE के बारे में। तो गाइस, WBJEE के बारे में मैंने पहले आपको बता चुका हूँ सारी बातें। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आपने फिल जरूर कर लिया होगा। मैंने जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था मैंने वीडियो बना के आप सभी को बता दिया था, आपने आई होप भर दिया होगा फॉर्म। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो इसका एडमिट कार्ड जो आने वाला है वो 27 तारीख को आ जाएगा, 27 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं MST CET की, यानी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। तो गाइस, इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो आने वाला है वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा, यानी जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है आप देख रहे होंगे इनका जो एंट्रेंस फॉर्म जो आने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आने वाला है। तो जनवरी के अंदर आप सारे के सारे फॉर्म फिल जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आए, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको नोटिफिकेशन दे दिया करूँगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आपको कभी फ्यूचर में काम आए। लास्ट डेट जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की होने वाली है वो मार्च तक चलेगी, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल में मिल जाएगा, लास्ट वीक में। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होगा वो अप्रैल 13-17 के बीच में हो सकता है, उसके बाद 20-23 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करते हैं SRM JEE की। तो इसका जो लास्ट डेट है वो है मार्च 30 से पहले आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कोई और डाउट हो या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर इस वीडियो को यार आप शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में।